19 मई को गोरखपुर में होने वाले सातवें व अंतिम चरण में होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से निकलें और अपने मत अधिकार का प्रयोग करें, जिसके लिए गोरखपुर न्यूज मतदाताओं को जागरूक करने के साथ नागरिकों के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक वोट करने के लिए कार्यक्रम की जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। हम गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार। हम मतदान जरूर करेंगे, इस बार के स्लोगन के साथ मतदाता जागरूकता कैंपेन करने नगर निगम पहुंची। गोरखपुर न्यूज और स्वीप इस कार्यक्रम में नगर निगम परिसर में नागरिकों ने सभी वर्गों के लोगों से अधिक वोट करने की अपील किया। देवेंद्र उपाध्याय, पब्लिक से ही अपील करेंगे कि अपने घरों से निकलें और इस भारत के महापर्व में अपना योगदान करें, विकास के मतलब अपना भागीदारी हो इस विकास के, उसमें जो भी पार्टी है जो विकास कर रही है देश हित में उसको गौरवान्वित करें और देश आगे जाए, अंतर्राष्ट्रीय जो देश का नाम मान सम्मान बढ़े, ये हमारी कामना है पब्लिक से। आदित्य वर्मा, मैं लोगों से यही बोलूँगा कि अगर कल के दिन अगर आप वोट देने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट को, आप जो भी जिस जो आपकी पसंद हो अगर आप उसको वोट नहीं देते हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि कल के बाद से आपको साल भर जो भी सरकार बनती है उसके ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई हक है। अगर आपके उंगली में स्याही लगी है और आपने मतदान किया है तो आपका हक बनता है कि आप आने वाले 5 साल तक जो भी गवर्नमेंट बने आप उसके ऊपर उंगली उठाएं, वो सही करती है, अच्छी करती है। अगर आप वोट ही नहीं देते हैं तो मेरे हिसाब से आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप आने वाली गवर्नमेंट पर कोई उंगली उठा सकते हैं। थैंक यू। मोहम्मद शरीफ खान भाई, मैं हर अरे गोरखपुर के नागरिकों से अपील करूंगा कि अपने घर से निकल करके अपना धर्म समझ करके वोट करें, जरूर वोट करें। प्रवीण गुप्ता, गोरखपुर। कल चुनाव है, पब्लिक से क्या अपील करेंगे आप बताएं। मैं बस अपील यही करना चाहता हूं कि कल हमारे गोरखपुर में मतदान है और जितने भी हमारे भाई लोग हैं, बहनें हैं, माता हैं, पिता हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना मतदान जरूर दें। जिस भी प्रत्याशी को आप वोट करना चाहते हैं अपने हिसाब से अपना एक वोट जो है वो जरूर दें, वो बहुत ही कीमती है हमारे देश के भविष्य के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर प्रदीप कश्यप, पब्लिक से यही अपील है, सारे लोग, महिलाओं, बुजुर्ग, सब लोग घर से बाहर निकलें, अपने बूथ पर जाएं, अपने वार्ड के बूथों पर जाएं और अधिक से मतदान करें वहाँ।